हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्रीशवल। तो सामने अपने द न्यूली लॉन्च टोयोटा टाइसर, जो कि अब टोयोटा ने लॉन्च कर दिया है टाइसर को भी, जो कि फ्रॉन्क से पूरी सिमिलर है। ये वाली कार फ्रॉन्क से देखोगे ना, थोड़े बहुत इसमें माइनर से चेंजेस है। इसका डिजाइन देखते हैं तो पूरा क्रॉस ओवर वाला आपको डिजाइन मिल जाता है। और ये वाला जो अपने पास आज वेरियंट है, इसका मोस्ट डिमांडिंग वेरियंट है टाइसर का। तो पहले वेरियंट एक्सप्लेन करता हूँ टाइसर के। तो टाइसर का सबसे जो बेस वेरियंट आता है वो आता है ई, फिर आता है एस, फिर उसके ऊपर आता है एस प्लस, फिर आता है जी, और सबसे टॉप एंड वेरियंट जो है वो आता है वी। एंड आज अपने पास जो वेरिएंट है ये इसका मोस्ट डिमांडिंग वेरिएंट है, जो कि बेस वेरिएंट है टाइसर का, ये वाला जो कि ई वेरिएंट है। आपको डिजाइन तो सेम मिलता है, बाकी कुछ माइनर चेंजेस मिल जाते हैं आपको फ्रंट एंड रेयर में। जो कि यहाँ पे अगर आप ग्रिल देखोगे तो ग्रिल थोड़ी सी चेंज है यहाँ पे टाइसर में। ग्रिल देखते हैं तो यहाँ पे आपको टोयोटा का लोगो मिल जाता है, इस साइड आपको क्रोम मिल जाता है पूरा इसके ग्रिल पे। एंड यहाँ पे जो फिनिश मिलती है ना, ये पूरी जो फिनिश दी गई है पूरी रफ ब्लैक फिनिश दी गई है। गेटर जो है हेलोजन में मिलता है, यहाँ पे पार्किंग लाइट दी गई है। लो बीम एंड हाई बीम आपको जो मिलता है ना, ये पूरा हेलोजन में ही दिया गया, तो फुल हेलोजन सेटअप मिलता है यहाँ पर। फॉग लैम्प की प्लेसमेंट यहाँ नहीं रखी गई, क्योंकि इसका जो सेटअप है लाइट सेटअप नीचे की साइड है, तो फॉग लैम्प की जरूरत नहीं है। इसके बेस वेरिएंट में भी देखते हैं, ये इसका बेस वेरिएंट है। तो बेस वेरिएंट में आपको जो स्किड प्लेट है पूरी सिल्वर में रखी गई है, जो कि देखने में कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी लग रही है सिल्वर स्किड प्लेट इसके बेस वेरिएंट में। तो ये इसका पूरा फ्रंट लुक मिल जाता है। अब आते हैं इसके साइड लुक में। सो ये पूरा साइड लुक दिया गया है टाइसर के बेस वेरिएंट का। साइड से देखते हैं तो साइड से आपको फेंडर पे इंडिकेटर मिल जाता है। यहाँ पे व्हील कवर्स भी ऑफर करे गए हैं इसके बेस वेरिएंट से। 195/60 R16 की इसकी प्रोफाइल मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको 16 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं। 16 इंच के व्हील्स आपको बेस वेरिएंट से दिए गए हैं, जो कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है इस टाइसर में। तो यहाँ पे आपको व्हील कवर्स भी मिल जाते हैं, फ्रंट में इसके डिस्क ब्रेक मिलते हैं, रेयर में इसके ड्रम ब्रेक्स ही मिलते हैं। एंड यहाँ पे जो ORBMs मिलते हैं, आप फोल्ड एंड अनफोल्ड आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा। इस साइड इंडिकेटर मिल जाता है फेंडर पे, जो कि बेस वेरिएंट है ये वाला, तो फेंडर पे इंडिकेटर दिया गया है। ऊपर की साइड आपको रूफ रेल्स तो मिल जाती है इसके बेस वेरिएंट से, बट ये जो रूफ रेल्स है ना, ये आपको सिल्वर में नहीं दी गई है। इसके अपर वाले वेरिएंट्स में जाओगे टॉप एंड वेरिएंट्स में, तो वहाँ पे ये जो रूफ रेल्स है ना पूरी सिल्वर में मिलती है। यहाँ पे फुल ब्लैक दी गई है इसकी रूफ रेल्स। पीछे की साइड बेस वेरिएंट से शार्क फिन एंटीना भी ऑफर कर देती है टाइसर। तो यहाँ पे आपको बेस वेरिएंट से टाइसर में शार्क फिन एंटीना भी मिल जाता है। पूरे एंडर्स भी आते हैं, पूरे ब्लैक आउट ही दिए गए हैं। रेयर में आपको ड्रम ब्रेक्स ही मिलते हैं, फ्रंट में इसके डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। अब रियर लुक में आते हैं, तो रियर लुक में जो फुल कनेक्टिंग टेल लाइट है ना, वो इस वाले वेरिएंट में नहीं मिलता है इसके बेस वेरिएंट में। बेस वेरिएंट में भी जो टेल लाइट दी गई है, कहीं ना कहीं अगर देखते हैं ना, तो इसका जो डिजाइन है ना, ये फ्रॉन्क से ज्यादा अच्छा लग रहा है इस टेल लाइट का, रियर टेल लाइट का। एंड इंडिकेटर पूरा LED में ही मिलता है, रिवर्स पार्किंग लाइट यहाँ मिल जाती है। ई की बैजिंग भी मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे ना हर वेरिएंट की बैजिंग भी दी गई है टोयोटा ने। यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, सिल्वर स्किड प्लेट पीछे की साइड भी दी गई है। इसका जो पूरा नाम है ना, ये यहाँ पे दिया गया, जो कि अर्बन क्रूजर टाइसर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये पूरा रिफ्लेक्टर ही बेस दिया गया। तो ये पूरा रिफ्लेक्टर मिल जाता है, ये इसका बेस वेरिएंट है। बेस वेरिएंट से आपको यहाँ पे मिल जाता है इसका डीफॉगर, सिर्फ डीफॉगर दिया गया, वाइपर नहीं ऑफर करा गया। हाई माउंट स्टॉप पे ऊपर की साइड मिल जाता है, स्पॉइलर नहीं दिया गया। यहाँ पे टोयोटा का लोगो मिल जाता है। एंड इसमें जो सेंसर्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा इसमें ऑफर नहीं करा गया इसके बेस वेरिएंट में। तो ये पूरा बूट स्पेस मिल जाता है टाइसर में। यहाँ पे टाइसर में बूट स्पेस देखते हैं तो सिमिलर ही मिलता है फ्रॉन्क से, क्योंकि डायमेंशन वाइज तो पूरी ही सेम है टाइसर फ्रॉन्क से। तो यहाँ पे आपको इतना पूरा बूट स्पेस मिल जाता है टाइसर में। नीचे की साइड देखते हैं तो यहाँ पे आप स्पेयर व्हील मिल जाता है। अब यहाँ पे जो स्पेयर व्हील भी है ना, ये 16 इंच का ही दिया गया, जो कि 60-40 स्प्लिट आपको सीट्स मिल जाती है। इतनी आपको प्रॉपर एड्रेस मिल जाते हैं, जो कि एड्रेस टेबल है। इतना पूरा बूट स्पेस मिल जाता है टाइसर में। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में। अगर पूरा इंटीरियर देखते हैं तो यहाँ पे इंटीरियर जो है ना, वो सिमिलर ही रखा गया है फ्रॉन्क से। यहाँ पे जो इंटीरियर मिलता है ये पूरा आपको ड्यूल टोन में दिया गया है। पूरा इंटीरियर देखोगे तो पूरा ड्यूल टोन में इंटीरियर मिल जाता है। इस साइड देखते हैं तो ऑटो ऑफ ऑटो ऑन दोनों है इसके ड्राइवर साइड। यहाँ पे चारों पारोनिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं, विंडोज के लॉक एंड कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक के फीचर्स यहाँ दिए गए। इस साइड मिल जाते हैं इसके हैंडल्स, डोर हैंडल, जो कि ये भी पूरे ब्लैक आउट ही आते हैं। एंड यहाँ पे ना कुछ भी आपको सॉफ्ट टच नहीं मिलता है, पूरा हार्ड टच ही दिया गया है। स्पीकर यहाँ मिल जाते हैं, बॉटल होल्डर, यहाँ स्पेस दी गई है। अगर आप ऊपर वाले वेरिएंट्स पर आओगे, इसके अपर वाले वेरिएंट्स पर आओगे, तो यहाँ पे ट्विटर की प्लेसमेंट मिल जाएगी। इस वेरिएंट में नहीं दिया गया है वो चीज़। सीट अपहोस्ट्री ना फैब्रिक में ही मिलती है। इस साइड देखते हैं तो यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, ऑटो ऑफ का मिल जाता है, जो कि ये बेस वेरिएंट से दिया गया है। लाइट एडजस्टमेंट आप यहाँ से कर सकते हो। अब इस पूरे इंटीरियर में देखते हैं तो सिमिलर जो है ना, मतलब पूरा इंटीरियर ही सिमिलर है अगर आप फ्रॉन्क से कंपेयर करोगे तो। बस डिफरेंस जो है वो आपको इस लोगो में ही दिखता है। तो यहाँ पे आपको मारुति का लोगो नहीं मिलते, यहाँ पे मिल जाता है टोयोटा का लोगो। सो यहाँ पे टोयोटा का लोगो ही डिफरेंस आता है पूरे इंटीरियर में। बाकी सिमिलर वही फीचर्स आपको मिलते हैं जितने फ्रॉन्क ऑफर करती है इसके बेस वेरिएंट में। एंड इसमें कीलेस एंट्री नहीं आती, आपको की इंसर्ट करके इसको ऑन करना पड़ेगा। सबसे पहले पूरा स्टेयरिंग देखते हैं तो यहाँ पे जो स्टेयरिंग मिलता है नॉर्मल ही दिया गया है यहाँ पे स्टेयरिंग। बट एक चीज यहाँ पे क्या अच्छी है कि यहाँ पे डी कट मिल जाता है इसका स्टेयरिंग।
कुछ भी कंट्रोल्स यहाँ पे ऑफर नहीं करेगा क्योंकि इसका ये बेस वेरिएंट है, तो कुछ भी कंट्रोल्स आपको नहीं मिलते हैं। दो एयरबैग्स मिल जाते हैं, दोनों फ्रंट में एयरबैग्स दिए गए। इसके MID देखते हैं तो ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है जो कि सिमिलर फ्रॉन्क्स में आता है। टैगोमीटर यहाँ दिया गया है, स्पीडोमीटर यहाँ मिल जाता है। यहाँ से आप इसके MID के फंक्शन चेक कर सकते हो। सो यहाँ पे सेंटर में आपको MID मिल जाती है, सारे फंक्शन आप देख सकते हो। सेंटर में MID शो कर देती है पूरी कार की इंफॉर्मेशन। लैंप्स कंट्रोल मिल जाते हैं, वाइपर्स कंट्रोल मिल जाते हैं जो कि दोनों मैनुअल ही आते हैं। कुछ भी यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑफर नहीं करा गया इसके बेस वेरिएंट में। एक चीज़ है कि यहाँ पे आपको बेस वेरिएंट से ऑटोमेटिक मिल जाती है जो कि स्टैंडर्ड रखे गए हैं। तो यहाँ पे आपको जो AC मिलता है ना, ये स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक ही दिया गया। मतलब यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाता है जो कि स्टैंडर्ड इसके बेस वेरिएंट से रखा गया है। हेडलाइट के कंट्रोल्स यहाँ दिए गए। नीचे की साइड देखते हैं तो दो कप होल्डर की स्पेस मिल जाती है, यहाँ पे स्पेस दी गई है। एंड यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है। चार्जिंग पोर्ट दिया गया जो कि 12 वोल्ट का आता है, यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट। एंड इसमें गियर बॉक्स देखते हैं तो यहाँ पे 5 स्पीड दिया गया इसका गियर बॉक्स। एंड इसमें सिर्फ आपको रिवर्स कैमरा नहीं मिलता, सिर्फ पार्किंग सेंसर्स ही मिलते हैं। सो 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाता है, मैनुअली आपको हैंड ब्रेक दिया गया है। पे देखते हैं तो इसके डैशबोर्ड पे आपको जो स्पेस मिलती है ना, ठीक ठाक आपको स्पेस मिल जाती है इसके डैशबोर्ड में। एंड ये जो डैशबोर्ड मिलता है पूरा हार्ड टच ही दिया गया है। तो ये पूरा कुछ भी सॉफ्ट टच यहाँ पे ऑफर नहीं करा गया। ऊपर इधर सन वाइजर पे टिकट होल्डर कुछ भी नहीं दिया गया, नॉर्मल ही मिलता है इसका सन वाइजर। सेंटर में देखते हैं तो IRVM मिल जाता है जो कि मैनुअली मिलता है, यहाँ से आप मैनुअली इसको ऑपरेट कर सकते हो। को ड्राइवर साइड देखते हैं तो को ड्राइवर साइड भी मिरर ऑफर नहीं करा गया, तो ये आपको फीचर्स नहीं मिलते हैं। यहाँ पे लाइट्स भी ऑफर नहीं करी गई है इसके बेस वेरिएंट में। तो ये पूरा इंटीरियर मिल जाता है टोयोटा टाइजर के बेस वेरिएंट का। अब चलते हैं इसके रियर सीट में। देखते तो पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको हैंडल्स दिए गए जो कि पूरे ब्लैक्ड आउट है। इस साइड पूरा हार्ड टच मिलता है, स्पीकर यहाँ मिल जाते हैं, बॉटल होल्डर यहाँ स्पेस दी गई है। पीछे की साइड देखते हैं तो 3 पॉइंट्स आपको सीट बेल्ट्स मिल जाते हैं, आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए। ये जो सीट से ये 60-40 स्प्लिट भी मिल जाती है इसके बेस वेरिएंट से, जो कि कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा फीचर है टाइजर का। सेंटर में कोई AC वेंट्स की प्लेसमेंट नहीं रखी गई है। एंड यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। ऊपर की साइड देखते हैं तो लाइट ना, पूरे कैबिन लाइट ना सिर्फ एक ही दी गई जो सेंटर में आती है, यहाँ पे लाइट। तो यहाँ पे ये इंजन मिल जाता है टाइसर में, जो कि यहाँ पे इंजन देखते हैं ना तो 1.2 लीटर का यहाँ पे आपको पेट्रोल इंजन मिलता है। अब यहाँ पे जो ये पावर निकालता है 1.2 लीटर का इंजन, ये निकालता है 89 BHP निकालता है, 112 NM ऑफ टॉर्क निकालता है ये वाला पेट्रोल इंजन जो कि 1.2 लीटर का आता है। सेम इंजन ऑफर करा गया था फ्रॉन्क्स में, सेम इंजन आपको टाइसर में ही मिलता है। अब बात करते हैं टोयोटा टाइसर की प्राइसिंग की भी। अब इसकी एक्स शोरूम प्राइस जो रखी गई है ना, ये रखी गई है 774,000 इसकी एक्स शोरूम प्राइस है। एंड अगर आप ऑन रोड देख रहे हो तो मैं हूँ अभी इस समय इंदौर में सांगी टोयोटा पे, तो यहाँ पे ये आपको ऑन रोड पड़ती है 8,84,000 की, ये आपको ऑन रोड पड़ जाती है क्योंकि टोयोटा टाइसर का ये बेस वेरिएंट है। ओवरऑल रिव्यू अर्बन क्रूजर टोयोटा टाइसर का रिव्यू। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।